सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। आज की मैं आपको इस वाले वीडियो में दिखाने वाला हूँ, अगर आपकी कोई फेसबुक आईडी है, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं कई बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन बात कीजिए क्या आपकी आईडी होती है, जो आपकी फेसबुक आईडी होती है, क्या मतलब वो कहीं और चल रही है, कोई उसका इस्तेमाल कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन कर रहा है, आपको इस वाले वीडियो में दिखाएंगे। और यहाँ पर आपको जानकारी ऐसे देना चाह रहे हैं कि आपकी जो आईडी हैक है कि नहीं है, आपको जानकारी पूरी देना चाहेंगे, ठीक है। काफ़ी ध्यान से जो है वीडियो देखना काफ़ी सही तरीके से, ठीक है। अब देखिए, आपको एक काम करना है, जो आपका फेसबुक एप्लीकेशन होता है इसको ओपन करेंगे, ओपन कर लेंगे इस तरीके से, सही तरीके से, भाई ध्यान से बातें सुनना, ठीक है। अब सुनने के बाद में, और यहाँ पे देखिए जो है आपके सामने, जो है ऊपर जो है आपके सामने एक जो आइकन आता है, जो कि आपकी फोटो लगी होगी, वहाँ पर आपके सामने तीन लाइन दिखेंगी, जैसे कि यहाँ पर अभी आपको दिखा पा रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आपको, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने सेटिंग खोलेंगे इस तरीके से, मतलब आ जाएगा इंटरफेस, ठीक है। और नीचे इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने नीचे आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा प्राइवेसी, यहाँ पे आ जाएगा सेटिंग प्राइवेसी, आएगा सेटिंग एंड प्राइवेसी आ जाएगा यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस टाइप से पूरी सेटिंग जो है खुल जाएंगी आपके सामने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग्स, यहाँ पे आप कर देंगे क्लिक, अंदर चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद में और यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन और दिखता है, जो कि यहाँ पे आ रहा होगा मेटा अकाउंट सेंटर, जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, आपको दिखा पा रहे हैं काफ़ी सही तरीके से, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दे पा रहे हैं खूब बड़े वाले स्मार्टफोन में लेकर, ठीक है। भाई देखो मुझसे ही बड़ा होगा, बताइए मुझसे ही बड़ा होगा ये, बताया ना इतना बड़ा फ़ोन तुम्हारे लेके आए हैं, ठीक है, तो छोड़ो, है ना। अब देखिए आपके सामने आ रहा है अकाउंट सेंटर मेटा, इस तरीके से लिखा आ रहा है, और नीचे आपके सामने देखिए, नीचे आपके सामने एक ब्लू लाइन से लिखा होगा, ठीक है, लिखा होगा सी मोर इन अकाउंट सेंटर, यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, इसी पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब देखिए मैं इसी पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में अंदर जाता हूँ, अंदर जाने के बाद में आपके सामने इस टाइप से ऑप्शन आएंगे, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन आने के बाद में नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन दिया होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया होगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, चलेगी बात, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। बस भाई काफ़ी ध्यान से थोड़ा समझाना चाह रही बात ये ना, क्योंकि जानते यार कि लोग बाद में कहेंगे भैया नहीं हुआ ऐसी बात है ना, काफ़ी ध्यान से देखना, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है पासवर्ड सिक्योरिटी, यहाँ पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस टाइप से ऑप्शन आएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन दिया होगा जो बढ़िया है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है, लिखा है वेयर आर यू लॉग इन, ओके लॉग्ड इन, यहाँ पे जैसे ऑप्शन लिखा है वेयर आर यू लॉग्ड इन, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऑप्शंस आएंगे। आप जैसे की बात कीजिए, आप देखिए जैसे की बात कीजिए, यहाँ पे आपको ये भी देख लेना है भाई, काफ़ी जरूरी तुम बताने जा रहे हैं, अगर आपकी फेसबुक आईडी से कोई इंस्टाग्राम बनाए, ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने देखो नीचे आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है, तो नीचे देखिए आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अगर आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर होती है फेसबुक वगैरह की, देखो ऊपर आ जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एक कमल सिंह लिख के आ रहा है, जो हमारी आईडी है, ठीक है, तो आप इस तरीके समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसी के ऊपर, क्लिक करने के बाद में, ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे आएगा अकाउंट लॉगिन एक्टिविटी, क्या बता रहे हैं, क्या लिख के आ रहा है, अकाउंट लॉगिन एक्टिविटी आएगा, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद में, और यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या क्या दिख रहा है, टेक्नो स्पार्क 8 प्रो, जो कि अपना ये वाला स्मार्टफोन है टेक्नो स्पार्क 8 प्रो, लेकिन भाई ये चलता बढ़िया है, इसकी बैटरी बैकअप कमाल है, इसके बैटरी बैकअप भाई मज़ा आ गया हमको लेके। अरे 15,000 के फ़ोन है ना क्या चलते रेडमी वाला, वो फेल कर देगा ऐसा फ़ोन है, ये बैटरी बैकअप मस्त है। अब देखिए, अरे छोड़ो, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कि टेक्नो स्पार्क 8 प्रो दिख रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, और नीचे आपके सामने दिख रहा होगा Redmi Note 10s। अब देखिए Redmi Note 10s है, जो मतलब एक फ़ोन होता है, स्मार्टफोन होता है, जो कि अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उससे, ठीक है, तुम्हारा रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपके फ़ोन का नाम यहाँ पे दिखता है, सीधी बात रही, तो आपका फ़ोन दिखता है, चलो कोई वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपके फ़ोन के अलावा कोई भी स्मार्टफोन यहाँ पे मतलब कोई डिवाइस यहाँ पे दिखता है, तो भाई उसको आप लॉग आउट यहाँ से कर देना कि आपकी आईडी यहाँ भी चल रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी और फ़ोन का नाम होता, सैमसंग, रेडमी, वीवो, ओप्पो, टूपो, जो भी यहाँ पे होता, उसको मैं हटा देता, क्योंकि बात क्यों हटाता मैं, क्योंकि भाई देखो हमारे पास दो स्मार्टफोन है, एक रेडमी का है और एक टेक्नो का है, तो टेक्नो में जस्ट अभी लॉगिन है, रेडमी आपके सामने है जो कैमरे वाला है, ठीक है। लेकिन बात कीजिए, अगर आपको कोई दिखता है तो एक काम आपको करना है, जो आपको दिखता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है रेडमी, जो यहाँ पे मतलब जैसे दिख रहा है, यहाँ पे जैसे दिख रहा है आपको रेडमी नोट 10s दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप क्लिक करने के बाद में आपके सामने
यहाँ पे मतलब कि जो भी आपको डिवाइस दिखता है यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर देंगे इस तरीके से, क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके से आएगा, ठीक है। और नीचे आपके सामने यहाँ पे आएगा, आपके सामने आएगा लिखा हुआ आएगा लॉग आउट, आएगा लॉग आउट, यहाँ पे लॉग आउट कर देंगे क्लिक, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में करेंगे लॉग आउट, लॉग आउट करने के बाद में और ये जो आईडी है देखिए नीचे लिख के आ गया, ठीक है, सक्सेसफुल आपका लॉग आउट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बात है, अब मेरे इस फोन में जो आईडी नहीं चलेगी, सिर्फ इसी में चलेगी, ठीक है। तो ऐसी बातें हैं। और यहाँ पे आप एक काम करना, यहाँ पे एक काम जरूर करना कि भाई इस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी आईडी कहीं इस्तेमाल हो रही, कोई यूज़ कर रहा है, कोई मौज कर रहा है तुम्हारी आईडी से क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है, ऐसा हो जाता है ना, तो रोना पड़ेगा बाद में और बोलो भैया टैग खर्चित भैया कुछ कर दो, कुछ कर दो, कुछ कर दो, कुछ करवा दो। अरे मतलब यार आईडी रिकवर करवा दो, कभी कुछ हैक हो जाती है आईडी वगैरह, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो बच के रहना, जाके चेक करना, उसके बाद में वीडियो देख, वीडियो तुमने वीडियो अगर तुमने सही से देखा है तो तुम समझ सकते हो, अगर नहीं देखा है बैक करके देख लेना एक बार, रोना पड़ेगा तुमको, ठीक है। और इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर करना व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में, फेसबुक वगैरह में, क्योंकि काफ़ी लोग जान पाएंगे भाई कि इस तरह से आईडी हैक होती है और बचाई कैसे जाती है। जानकारी बढ़िया दी है, चलिए देखते रहिए।